Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today we are going to continue with our chapter explanation. In the last video, we have learned about landforms and water. Yes or no? Yes. And I hope you all are able to understand all the things. So, today we are going to learn about air. Okay. So, quickly go and bring your EVS textbook and open page number 75 so this is page number 75 you can see it on your screen now let's start air see we cannot see the air but we can feel the air how when wind is blowing so faster at that time we can feel air yes or no yes and there are some types of air are there also okay so let's see one by one air is all around us air matlabhava hamare aspas hai द अर्थ इज सराउंडेड बाई थिक लेयर ऑफ एयर और जो हमारी अर्थ है ना वो किसके उसके आसपास क्या है थिक लेयर ऑफ एयर मतलब एक मोटा सा लेयर है एयर का ठीक है वी कैन नॉट सी और टच एयर हम एयर को देख भी नहीं सकते हैं और वी कैन नॉट टच इट ओके बट वी कैन फेल इट मूविंग एट दैट टाइम वेन एयर इज मूविंग एट that टाइम वी कैन फील द एयर मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड जो हवा है वो मूव हो रही है उसको हम बोलते हैं विंड एयर दैट ब्लोज जेंटली इज़ कॉल्ड ब्रीज जो हवा जो धीरे से बह रही है मतलब धीरे से वो हवा चल रही है उसको हम बोलते हैं ब्रीज एयर दैट मूव्स वेरी स्ट्रांगली इज कॉल्ड स्टोम और हवा जो बहुत जोर से चल रही है उसको बोलते हैं हम स्टोम ठीक है तो ये थ्री टाइप्स ऑफ एयरस आर देर ओके वन इज़ विंड सेकेंड इज ब्रीज एंड थर्ड वन इज़ स्टोम नाउ देर इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू डज एयर हैव कलर येस और नो Whatever the answer of yours, you have to write in this blank. Okay. So that is homework for you. You have to write by yourself without anybody's help. Okay. Now, next. We need air to breathe. That we all know we need oxygen, and oxygen is also one type of air. So basically, we need air to breathe. Air is made up of many gases. See, air is.

कौन सा ब्रीदिंग में कौन सा एयर लेते हैं ऑक्सीजन ओके प्लांट्स एंड एनिमल्स अल्सो नीड ऑक्सीजन तो प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको भी क्या चाहिए ऑक्सीजन यस और नो यस तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज नाव दिस इज़ पेज नंबर सेवेंटी सिक्स यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन नाउ पॉल्यूशन सी वट इज़ पॉल्यूशन आपने कभी कभी देखा होगा कि आसमान में बहुत सारा धुआँ है ब्लैक कलर का है दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन एंड देट इज़ मेड बाई ओनली एंड ओनली फैक्ट्रीज मशीनरीज एंड पेट्रोल व्हीकल ओके ये सब जो केमिकल वाली चीज़ें हैं न उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेकिंग द लैंड वॉटर एंड एयर अराउंड डर्टी और पोल्यूटेड सी मैनी ऑफअर्स वट दे डू पीपल वेन एवर दे गो आउट साइड फॉर पिकनिक और फॉर सम वर्क एट दट टाइम वट दे डू दे जस्ट ईड सम थिंग फ्राम द प्लास्टिक बैग एंड देन दे थ्रो इट एनीवेयर तो क्या होता है उसकी वजह से वो वेस्ट होता कहीं पे भी गिरा देते हैं तो क्या होता है हमारी लैंड पल्यूट हो जा हो जाती है देन आप लोग कभी बीच पे जाते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि लोग क्या करते खाना खा के ऐसे ही सब छोड़ देते वहाँ पे तो हमारा पानी भी पल्यूशन वाला हो जाता है एंड देन एयर तो एयर में क्या कौन सा पोल्यूशन हो जाता है ये जो केमिकल्स होते हैं ना जो फैक्ट्रीज में या फिर हमारे व्हीकल में से जो भी पल्यूशन निकलता है ना जो भी धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स हो जाता है तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दैट इज़ अ मेन रिसोर्स ऑफ पल्यूशन ओके हमारी वजह से बहुत सारा पल्यूशन होता है डर्टी वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज़ आर फ्लोइंग इन टू वाटर बॉडीज़ एंड मेकिंग दैम डर्टी सी आई टोल्ड यू दैट डर्टी डर्टी वाटर एंड सम अदर वेस्टिज what happened with them they just throw it away in the water and then they mix it into river to kya hota hai water bodies matlab hamari jo bhi water ke resources hai usme ye sab waste mix ho jata hai to uski wajah se kya hota hai dirty hota hai water garbage dumped on land is making the land polluted. आपको पता है आपके घर से तो वो लोग कचरा लेके चले जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है वो जो ट्रक होता है उसमें तो उसमें से कचरा तो वो लोग लेके चले जाते हैं पर जब वो पूरा का पूरा ट्रक कहीं पे तो वो लोग डालते हो गए ना तो वो लोग क्या करते हैं एक ऐसी जगह होती है वहाँ पे ये लोग सारा कचरा वहीं पे डाल देते हैं तो क्या होता है उसकी वजह से हमारी लैंड में भी पोल्यूशन हो जाता है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज मेकिंग द एयर डर्टी तो स्मोक है जो धुआँ है जो हमारी व्हीकल एंड फैक्ट्रीज में से आता है दे आर ऑल्सो मेन रिसोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन ओके तो उसके थ्रू द क्या होता है उसके थ्रू भी एयर पोल्यूशन होता है ठीक है एक और पोल्यूशन है दैट इज़ नॉइज पोल्यूशन जो हमारे आसपास का साउंड है व्हीकल का हॉर्न है उसके वजह से होता है ठीक है वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर अर्थ एंड स्टॉप इट फ्रॉम गेटिंग डर्टी हमें क्या करना चाहिए वी हैव टू stop making pollution everywhere okay we have to save our earth and we don't have to throw anything anywhere okay so this is advice for us if you if you want your earth become healthy and wealthy then you have to save your earth okay now next page that is page number 77 ओके सो दिस इज़ पेज नंबर सेवेंटी सेवन यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन नाउ लेट्स सी डिड यू नो आपको पता है वी सेलिब्रेट ट्वेंटी टू अप्रैल एज अर्थ डे एवरी ईयर सी वी सेलिब्रेट अर्थ डे एवरी ईयर ऑन व्हिच डे ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ओके ऑन दिस डे वी प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द अर्थ और वो दिन पे हम लोग क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम हमारी हे अर्थ का ख्याल रखेंगे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स टू सेव द अर्थ और व्हाट वी कैन डू वी हैव टू डू प्लांटेशन। वी डोंट हैव टू थ्रो द वेस्ट एवरीवेयर वी डोंट हैव टू मेक वाटर पॉल्यूट एंड देन वी डोंट हैव टू यूज प्लास्टिक बैग्स सो दैट वी कैन सेव अवर अर्थ ओके नाउ सी लुक एट द पिक्चर्स एंड डिसकस द स्टेप्स वी शुड टेक टू कंट्रोल पॉल्यूशन सी इसमें क्या है कि आपको क्या करना है यू हैव टू सी द पिक्चर्स एंड देन यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और विथ योर फ्रेंड ओके दैट हाओ वी कैन टेक केयर ऑफ अवर अर्थ एंड वॉट वी हैव टू डू टू स्टॉप द पॉल्यूशन ओके सो दिस इज फॉर टूडे And then next lecture, we are going to start our chapter worksheet. Okay, for our exam, for our PT3 exam, we are going to start our worksheet. So, exercise we will do later on. Okay, so stay safe at your home, eat healthy food, drink lots of water. Bye bye.